हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 12th अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रानी ब्रदर हैड हाई फीवर लास्ट नाइट। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक एंड द वॉमिटिंग। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर। डॉक्टर सेड दैट एंटीबायोटिक टैबलेट और इंजेक्शन नीड टू बी गिवन। देखो क्या कहा जाता है, रानी के ब्रदर को लास्ट नाइट फीवर और पेट में दर्द था, तब उसकी मदर डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने कहा भी या तो एंटीबायोटिक टैबलेट्स देनी पड़ेगी या इंजेक्शन देनी पड़ेगी। अब देखो, एंटीबायोटिक आर मेडिसिन दैट आर फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। दिस एंटीबायोटिक आइदर किल टू स्टॉप और ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो क्या कहा जा रहा है, एंटीबायोटिक क्या होती है कि हमें बैक्टीरिया और फंगस से मिलती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही दवाइयाँ मिलती हैं। एंटीबायोटिक आर मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमें कहाँ से मिलती है, बैक्टीरिया से मिलती है या फंगस से मिलती है, और दूसरे टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियाज उनको किल करती है, उनको ग्रोथ नहीं करने देती है। देखो दोबारा रीड करते हैं, एंटीबायोटिक आर मेडिसिन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फंगस। दिस एंटीबायोटिक आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रोग फैलाते हैं उनको किल कर देती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन। वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। बहुत सारी और भी बीमारियां जिनको हम एंटीबायोटिक से क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक से उनको हटा सकते हैं। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नमक एंटीबायोटिक को क्या किया था, डिस्कवर किया था। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द प्लस पोलियो वैक्सीनेशन और कोरोना वैक्सीन इन द न्यूज़ पेपर टेलीविजन। आपने जरूर प्लस पोलियो और कोरोना वैक्सीन के बारे में इन दिनों में सुना होगा। वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस इन विच डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्ट टू द इंट्रोड्यूस द बॉडी। देखो क्या कहा जाता है, अब वैक्सीनेशन क्या होती है, वैक्सीनेशन में कोई भी जो बैक्टीरिया है या तो डेड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी के अंदर एंटर करवाया जाता है। जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, उसके लिए दवाई बना देता है, अंदर से हमारे शरीर के अंदर से उसके लिए दवाई बन जाती है और वो क्या होती है, हमेशा के लिए बनी रह जाती है। को क्या कहा जा रहा है, वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर सिमिलर प्रोडक्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट एंड इंट्रोड्यूस टू आर बॉडी। दिस इज हेल्प द बॉडी प्रिपेयर टू डिफेंस मैकेनिज्म। एंटीबायोटिक बनाने में ये हेल्प करता है टू बी द एबल ऑफ द फाइट अगेंस्ट द डिजीज इन फ्यूचर। फ्यूचर में कभी भी वो बैक्टीरिया जब एक्चुअल में हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी के पास पहले से ही दवाई बनी होगी, तो हम क्या करेगा, हमारी बॉडी उसके लिए एक्टिव हो जाएगी। दस मेक अ इम्यून अगेंस्ट दिस डिजीज। इस तरह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड एट यंग एज सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर इट सेल्फ टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज। अभी छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैक्सीनेशन किया जाता है ना, उनका आपने जरूर सुना होगा। तो क्या करते हैं, एक बार वो डेड बैक्टीरिया या जो भी वायरस है वो बॉडी के अंदर डाल दिया, अब उसकी बच्चे की बॉडी ने क्या कर दिया, उसको इसके अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेशन कराया तो उसके अगेंस्ट बॉडी ने खुद ने ही दवाई बना ली। अब बाद में कभी वो जो बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस समय बॉडी के पास क्या है, पहले से दवाई बनी है, वो फटाफट क्या करेगा, उस बैक्टीरिया को किल कर देगा और सेफ हो जाएगा। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन स्मॉल पॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने। तो अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही आसान है, फटाफट हो जाएंगे। व्हाट इज द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है, देखो यहाँ से आप आंसर दीजिए। एंटीबायोटिक के दो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट में देखो यहाँ से लिख दीजिए, एंटीबायोटिक आर मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस को जो से मेडिसिन जो मिलती है उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। सेकेंड देखो क्या है, हु डिस्कवर एंटीबायोटिक इन फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक को, तो देखो हमने यहाँ पे देखा आंसर नंबर टू ये रहा, पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर बाय द एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पूरा आंसर लिखिएगा आप, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है, हाउ डज एंटीबायोटिक वर्क, एंटीबायोटिक वर्क कैसे करता है। तो अब इसके अंदर फिर से आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, देखो आंसर नंबर थ्री में यहाँ से आएगा, एंटीबायोटिक आर मेडिसिन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस। दिस एंटीबायोटिक आइदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जरूर स्ट्रेप्टोकाइसिन, ट्रेप्टोसाइलिन और पेनिसिलिन, ये हो जाएगा आंसर नंबर थ्री। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहते हैं, व्हाट इज वैक्सीन, कैन यू आस्क योर पेरेंट एंड राइट नेम ऑफ द फ्यू वैक्सीन दैट वर गिवन यू। तो आपको बताना है कि पहले तो वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, उसके बाद में आपको कौन कौन से वैक्सीन दिए गए थे अपने पेरेंट्स से पूछकर। तो आंसर नंबर थ्री यहाँ से हो जाएगा, वैक्सीन इज अ प्रोसेस विच डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट सिमिलर टू डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट द इंट्रोड्यूस इन अवर बॉडी। दिस हेल्प द बॉडी प्रिपेयर टू डिफेंस मैकेनिज्म टू एबल टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज इन फ्यूचर। दिस मेक टू इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द डिजीज।
ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे देखो क्या कहता है, ये तो फर्स्ट पार्ट है, पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आंसर कंप्लीट होना चाहिए ना, आपको वैक्सीनेशन का पूरा पता होना चाहिए। अब आपको अपने पेरेंट्स से पूछने कि आपको कौन कौन से इंजेक्शन लगे हैं, तो BCG होता है एक, ठीक है, इसके अलावा और कौन सा होता है, DPT होता है, इसके अलावा और कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी होता है ना, भी होता है, इसके अलावा और बहुत सारे इंजेक्शन या वैक्सीनेशन होते हैं, अगर आपका और भी कोई लगा है तो आप वो भी यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। तो आज की जो वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।